नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो एसिक्लो प्लस टेबलेट के ऊपर है जो कि एरिस्टो कंपनी का आता है। और इस टेबलेट का इस्तेमाल जो है वो दर्द में, यानी कहीं भी दर्द हो, आपको फीवर हो, मसल्स में पेन हो और दांत दर्द जैसे हो गया, हड्डी का कोई दर्द हो, उस तरह की स्थिति हो गई, जॉइंट में पेन हो, तो इस तरह के दर्द में, तकलीफ में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। परंतु डॉक्टर की पसंद के बाद इसका उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वीडियो केवल जानकारी के लिए है कि दवाई किस तरह से काम करती है। तो देखिए, एसिक्लो प्लस में जो दवाई है वो एसिक्लोफेनिक है और दूसरा है पैरासीटामॉल। एसिक्लोफेनिक नॉन स्टीरॉयड ड्रग है, मतलब ये है कि इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो जो कोएंजाइम होते हैं जो दर्द के लिए, सूजन के लिए जिम्मेदार रहते हैं, उन एंजाइम के सिक्रेशन को ये कंट्रोल करता है, तो इस कारण से हमें दर्द का जो आभास है वो नहीं होता है। और पैरासीटामॉल टेबलेट जो है वो यदि फीवर वगैरह है, सूजन, कई बार क्या होता है कि दर्द के साथ सूजन होता है, सूजन के साथ बुखार आता है, तो जो कॉम्बिनेशन है एसिक्लोफेनिक और पैरासीटामॉल का वो ये है कि आपको इस तरह की स्थिति में जब हम पहुंचते हैं दर्द, सूजन और बुखार की स्थिति में, तो इसका इस्तेमाल करने पर, टेबलेट का इस्तेमाल जब आप करते हैं डॉक्टर की पसंद के बाद, तो आपको काफ़ी आराम मिलता है। उसके बाद हम ये बता दें कि एरिस्टो कंपनी की जो दवाई है ये इस तरह से कुछ दिखती है। ये देखिए, आप इस तरह से एरिस्टो कंपनी की जो दवाई है वो दिखती है, और इस तरह से यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए, ये इसमें लाल पट्टी लगी हुई है, यानी शेड्यूल एच ड्रग है, यानी बिना डॉक्टर की परमिशन के आपको इसे नहीं लेना चाहिए। ये देखिए लाल पट्टी, मतलब शेड्यूल एच ड्रग। उसके बाद इसमें ये दवाओं का कॉम्बिनेशन है, ये भी देख सकते हैं आप, इस तरह से पत्ता जो है वो दिखता है। अच्छा, इस एक 15 गोली की स्ट्रिप की जो MRP है वो 99 रुपीज़ की आती है। और ये देखिए यहाँ पर, और ये एरिस्टो कंपनी का ये मोनो लगा हुआ है। तो कुल मिला के दर्द निवारक दवाई है, डॉक्टर की परमिशन के बाद इसको इस्तेमाल आपको करना चाहिए। और ये भी है इसमें कि यदि इस टेबलेट के इस्तेमाल के बाद आपको चक्कर की स्थिति आने लगे, उल्टी आने लगे, मतली आने लगे, और जैसे लाल चकत्ते पड़ जाए शरीर के किसी हिस्से में, तो आप ये मानिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, आपको तुरंत ये दवाई बंद कर देना चाहिए। अच्छा देखिए, रोज़ एक गोली लेने का होता है, सुबह शाम भी आप ले सकते हैं भोजन के बाद पानी से, लेकिन कितना लेना है और कितने दिनों तक लेना है इसका निर्धारण डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सहायता से आप करेंगे तो आपका इससे ज़्यादा लाभ होगा। और देखिए इस तरह से इसका हिसाब किताब है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसिक्लोफेनिक पैरासीटामॉल टेबलेट है, इसमें 100 mg होता है, पैरासीटामॉल 325 यानी 325 mg होता है, डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं रखना चाहिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि ये जो डोज है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेली डोज जो रहता है, यदि आप लंबे समय तक ले रहे हैं तो आपके लीवर को डैमेज कर सकता है, उसके बाद आपको और भी परेशानियाँ आ सकती है, एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है, तो हमको इस टेबलेट का इस्तेमाल बड़ी सुरक्षा से करना चाहिए, बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। शेड्यूल एच ड्रग आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, और टेबलेट तो आपको देखिए इस तरह की दिखाई देती है। तो ये एसिक्लो प्लस टेबलेट जो कि एरिस्टो कंपनी का था, इसके ऊपर ये छोटा सा वीडियो। उम्मीद की ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।